नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज का 2023 का दुर्गा पूजा पंडाल। आज दोस्तों 11 तारीख है और दिन बुधवार है। इस समय शाम के वक्त हम आए हैं, इस समय 5:26 हो रहा है और इस बार का जो दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है सनातन धर्म इंटर कॉलेज का, वो भी केदारनाथ बन रहा है। दोस्तों आप लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए हैं तो आपको काशी में भी भव्य इस बार दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के। और इस बार जो माता रानी की जो मूर्ति की हाइट है वो टोटल करीब 24 फीट हाइट है और 3 से 4 मिनट का शो चलेगा। सप्तमी वाले दिन शाम को 7 बजे ये शो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग दोस्तों अगर आसपास के हैं तो आइएगा, माता रानी का भव्य दर्शन भी करिएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक शो वगैरह भी देखिएगा और दुर्गा पूजा का बहुत ही भव्य आनंद लीजिएगा। और ये सुंदर सा दृश्य देखिए, जो सामने आप जो देख रहे हैं ये थर्माकोल है, उसको फेविकोल से चिपका रहे हैं और जो आप सामने का दृश्य देख रहे हैं वो फेविकोल से पूरा स्प्रे मार रहे हैं। ये देखिए, मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष। जी, इस साल 2023 में जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज में दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है, किस थीम पे बन रहा है ये? हम लोग इस बार केदारनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं अपने पूजा पंडाल में, जैसे कि हमने पिछली बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था। और भीड़ भाड़ को देखते हुए कैसा सुरक्षा रहेगा इस बार? भीड़ भाड़ को देखते हुए हमारे पास सारी सुविधा है, दर्शनार्थियों को दर्शन कराने की हमारे वॉलंटियर 200 वॉलंटियर हैं, हमारे यहाँ आग और पानी का सारा व्यवस्था है, सीज फायर वगैरह सब हम लोग अपने पूजा पंडाल में रखते हैं। और ये जो डिज़ाइन वगैरह जो बन रहे, कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ था ये? करीब 1 महीने पहले से ये काम चालू है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पूजा पंडाल में। और जो इस बार इलेक्ट्रिक शो होगा दुर्गा माता का, ये सब किस थीम पे, क्या इसमें? हम लोग हर साल महिषासुर मंदिनी दिखाते हैं जी। जो माँ दुर्गा राक्षस का वध करती हैं, वो हमारे यहाँ ये शो करीब काफ़ी सालों से चल रहा है, इस बार भी हम लोग कुछ नई दिखाएंगे। 3 से 4 मिनट का। और इसमें जो देवी की प्रतिमा जो है, इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी? ये प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसकी हाइट 24 फीट है जी। और थोड़ा इस पंडाल के बारे में बताइए। पंडाल हम लोग करीब 150 फीट ऊपर ले जा रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ का हम लोग मंदिर बना रहे हैं और मंदिर के पीछे पहाड़ वगैरह सारा चीज़ हम लोग बना रहे हैं, जैसे सेम वहाँ पे है सेम टू सेम हम लोग यहाँ बना रहे हैं। 2022 में देखा गया था यहाँ पे गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहे थे श्रद्धालु, वो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए थे, 4 नंबर गेट बना था और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो नया निर्माण हुआ वो हमने दिखाया था अपने पूजा पंडाल में। अच्छा, और कुछ बताइए? और ये सब थर्माकोल के डिज़ाइन वगैरह सब बन रहे हैं, हमारे यहाँ कारीगर लगे हुए हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो माता रानी की जो प्रतिमा यहीं भी बनती है कि वहाँ से बनती है? हम लोग अपने यहाँ बनाते हैं, बंगाल से कारीगर बुलाते हैं और माँ की प्रतिमा हम अपने पूजा पंडाल में ही बनाते हैं हर साल। अभी हमारी माँ की प्रतिमा आप देख रहे हैं कि अभी बन रही है और लगभग नवरात्र तक तैयार हो जाएगी। जो पहला शो स्टार्ट होगा कितने बजे स्टार्ट होगा? ये शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। और जैसे जो दर्शन होगा, दसवीं वाले दिन भी होगा कि? हम दसवीं वाले दिन भी एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग दर्शन कराते हैं। और प्रतिमा विसर्जन कितने दिन होगा? हम लोग 25 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास करेंगे। आप लोगों को दोस्तों दिखा रहे हैं माता रानी का ये पूरा दृश्य, ये देखिए अभी तो ये मूर्ति और तैयार होगी, इसकी हाइट देखिए 24 फीट है टोटल इस मूर्ति की। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो चलेगा और ये देखिए यहाँ पे मोटर वगैरह रेडी कर रहे हैं। पूरा ही पंडाल का नज़ारा दिखा रहे हैं।
और इसमें जो डिज़ाइनें वगैरह जो तैयार कर रहे हैं कारीगर वो कोलकाता के रहने वाले हैं।